फिशिंग विशिंग नहीं करने का बेटा, फिशिंग जो है करना है तो लेक पे जाओ, उधर जाके फिशिंग करो, ठीक है? हाँ। और फिर बाद में पकाओ और आंटी को भी खिलाओ। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज कुछ स्पेशल कर रहे हैं। हमारी जो ननद की भौजाई है, जो कि हम ही हैं, तो हमारे पड़ोस में जामताड़ा में रहते थे एक भैया, उनका बिटुआ आया सनी, और उनकी अभी नई नई शादी हुई। हम कहे चलो आ जाओ, तुमको लिट्टी चोखा खिला देते हैं। तो आज हमारे साथ आए हैं सनी, उनके भाई रॉकी और उनकी नई दुल्हन गुड़िया। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो बेटा? चकाचक लगा दिए बेटा। शादी कर लिए, आंटी को बुलाए नहीं? अरे आप आती तो शादी नहीं हो पाती ना हमारी। क्यों? काहे कि इनके तिल पे हम बहुत फिदा हैं, तो तुमसे थोड़ी ना करते। लो आंटी पे ही फिदा है, बताओ। शर्म करो बदतमीज। ये लो बेटा, ये तुम्हारा सगुन है, इसमें सिंदूर है और गहना है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है? और सिंदूर लगा के रहा करो, ऐसा सूखे सूखा ना रहा करो, काहे कि शादी हो गई बेटा। इधर आइए। जय माता दी। अरे हम लगा देते हैं ना। अरे छोड़ो तुम, ये देखो मांग भर गई, अब देखना अगले साल तक गुमत भर जाएगी। नहीं भरेगी, आगे चलो। बेटा तुम ज्यादा खुश ना हो, काहे कि हम देखे, हमको बहुत खराब लगा, मम्मी कितना रोई थी। तुम शादी में नहीं गए भाई की। अरे तुमको बताया नहीं था ना कि हमको शादी करने वाला, एक दिन पहले बताया, हम सूट उठने सिलवा, हम कहे जाते इसके शादी में हम नहीं गए। जेन्युइन बात है ना, ऐसे बताना चाहिए रजा, ये गलत की है आप। अरे पर बता के भी क्या करते, भाई साहब बिजी थे कहीं और, गोडाउन गोडाउन में बिजी थे ना। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम अपनी खुद की शादी कर। देखो बाड़ी आड़ी अच्छा बना लिए हो, देखे हैं। तो एक काम करो, तुम शादी कर लो, एक लड़की देखे हैं। देख लिया? हाँ, हमारी मौसी की चचेरी बहन की ननद है, और वो जो है थोड़ा उसको आँख से कम दिखता है। अरे बिल्कुल सही, 40 साल की कुल है। अरे तो पहला बात ठीक है कि आँख से कम दिखता है, देखेगी नहीं, प्यार को महसूस करेगी, लेकिन 40 साल की अम्मा का प्यार थोड़े हमको चाहिए, हमको बीवी चाहिए, पत्नी चाहिए, जमदारा की लड़की सबका क्या होगा? ऐसा नहीं बोलो सनिया ने, नहीं बड़ी लड़की से शादी की, नहीं बेटा आप बुरा, जोड़ी में कमी क्या ये बताओ। हाँ। ये बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत जाई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सनिया बेटा क्या कह रहे थे तुम फोन पे, हमारी आवाज बहुत अच्छी है। अरे बस फ्लैट हो गए हम आपकी आवाज पे, एक काम था फिर आपसे करें। हाँ बताइए बताइए। हमें भी किसी को फोन करेंगे, आपको बता देते हैं कैसे बात करना है, वैसे ही आप बात करिएगा, ठीक है बेटा? फोन लगाएंगे, पहले बोले हेलो नमस्कार सर, मैं एसटीआई बैंक से स्वाति मिश्रा बात कर रही हूँ, बताना चाहूंगी कि आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी। बस अरे राजा जियो, एक तो लड़की की आवाज में बोल रहा है। आप कर लेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे यार, लगाओ फोन भाई, इन्फ्लुएंसर है हम। बैंजरी बैंजरी बैंजरी, चलो चलो। हेलो हेलो, नमस्ते, मान लीजिए हम स्वाति मिश्रा बोल रहे हैं। अरे नहीं, वैसे तो बीसी आंटी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, और हाँ आपको 10 लाख का लॉटरी लगा है, जय माता दी, बहुत माता। अरे आंटी बोर आ गई हो तुम, बोर आ गई हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं होगा, इंग्लिश आता आपको? काहे नहीं आता, एकदम इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम देखी हो हम नहीं मानते, उल्टू आता ना? बिल्कुल आता है, ठीक है तो अब भी इंग्लिश में बोलो, ठीक है? और धड़ाधड़ बोलते जाना, इंग्लिश में, हिंदी नहीं बोलना। अरे इंग्लिश में बोलने पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, लगाइए लगाइए, बिल जाएगा आंटी, एकदम ढंग से। हेलो हेलो, दिस इज स्वाति मिश्रा कॉलिंग फ्रॉम XYZ बैंक, एंड आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू सर, यू हैव गॉट अ लॉटरी ऑफ 10 लाख रुपीज। परफेक्ट, 10 लाख रुपीज। क्या हुआ? हमको अंग्रेजी आता है, जिसको फोन लगा उसको नहीं आता, बुढ़बक ससुरा। आंटी आंटी आपसे होगा कि नहीं होगा, एक बार कोशिश करो, अच्छा से लगाओ फोन, करके हमको आप पे पूरा भरोसा है कि आप कर सकती हो, करोगी कि नहीं करोगी अच्छे से? काहे नहीं करेंगे बेटा, करके दिखाओ, अब हिम्मत दीजिए, हम करेंगे, पूरा हिम्मत है, पूरा बल हमारे तरफ से, लगाओ रे बढ़िया से फोन एक बार। आंटी ये बार भरोसा मत करिएगा, हां बिल्कुल नहीं, जोर लगाइए। हेलो नमस्कार सर, मैं स्वाति मिश्रा बोल रही हूँ XYZ बैंक से। सर आपको बताना चाहूंगी कि आपका 10 लाख का लॉटरी लगा है, क्या आप अपना नाम और अकाउंट नंबर मुझे बता सकते हैं? सत्येंद्र कुमार मिश्रा। ए सत्तू भैया, रांची से बोल, हम बोल रहे बीसी आंटी, यहाँ कैसे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, मुटकी का शादी हो गया? आप एकदम बुड़बक है, आपसे कुछ नहीं हो सकता, खाली बौरा देती है दिमाग को, ऐसे थोड़ी ना होता है ना आंटी। झांसे में बताइए, ये है ना स्कैम कॉल करवा रहे हैं आपसे,
बताएं, हम आए हैं जामताड़ा। हम हैं डॉली साहू, एसपी जामताड़ा। ये लड़के लोग क्रिमिनल्स हैं और इसके लिए बिस्वा जी हमें जो करना पड़ेगा ना हम वो करेंगे। ये लोग फर्जी कॉल करते हैं, लोगों को लूटते हैं, और ये गुड़िया इनसे मिली है, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। आप कबाब में हड्डियां हर एक जगह आ जाती है। चुप कर राजा, लेडी दबंग आई है, स्वयं आई है मर्दानी थ्री। बेटे अभी बच्चे भोले हैं, भोले ये इनको दो दो मारेंगे ना सही हो जाएंगे। आज हम इनको थोड़ा ज्ञान देते हैं, तुम लोग शर्म करो थोड़ा। ए तुम लेडीज होके क्राइम कर रहे हो, शर्म आना चाहिए। एक बार हमको फोन आया, पूरा हमारा 300 रुपए ले लिया किसी ने। 300 नहीं लेते, 300 में हमारा कुछ नहीं होता है। इसी बात करें, 300 का कौन करता है। अच्छा कितना चाहिए तुम्हें बेटा? हमारे अकाउंट में थे ही 300, बाकी तो हम घर में रखते हैं ना पीपे में छुपा के। सब हमारी तरह स्मार्ट नहीं होते, ये फिशिंग विशिंग नहीं करने का बेटा। फिशिंग जो है करना है तो लेक पे जाओ, उधर जाके फिशिंग करो, ठीक है? हाँ। और फिर बाद में पकाओ और आंटी को भी खिलाओ। तो दोस्तों आप चाहे तो देख सकते हैं जामताड़ा, अभी स्ट्रीम हो रहा है नेटफ्लिक्स पर, इन सब की करतूतें आप देख सकते हैं उधर, ठीक है? तो जरूर देखना प्लीज। दोस्तों बीसी आंटी को भी फॉलो कीजिए और हमारा जमतारा देखिए जो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, 10 जनवरी से स्ट्रीम हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जो बीसी आंटी के फॉलोअर्स हो हमको भी फॉलो करें। अब बस राजा, बहुत हो गया, कट कर दीजिए भैया।